नमस्कार और आप देखे हैं पर्दा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संबंध में बैठक। हरियाणा सरकार ने 30 नवंबर 2020 तक राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 के 100% क्रियान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए सरकारी विभागों के साथ इस वर्ष ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के लिए कवायद तेज कर दी है। जबकि जब तक 8 विभागों के BRPS जिसके तहत सुधार के बिंदुओं पर 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संबंध में हुई बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में जिन विभिन्न विभागों के मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें गृह विभाग के संबंधित सेवाएं तथा 20 वर्षों के लिए भूमि लेन देन के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण एवं ऑनलाइन प्रकाशन, बिजली एवं पानी जैसी उपयोगिताओं के साथ संपत्ति पंजीकरण की एकीकरण, फिल्म शूटिंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन एकल खिड़की निपटान तथा हरियाणा सेवा अधिकार नियम 2014 के तहत समय की अधिसूचना की दुकान और प्रतिष्ठान तथा ट्रेड लाइसेंस के तहत एक ही फर्म पर पंजीकरण करने के मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में ये भी बताया गया कि राजस्व विभाग के भूमि रिकॉर्ड डेटा को डिजिटलाइजेशन करने के लिए प्रोजेक्ट मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम और दोबारा से उसे शुरू किया गया है। यह भी बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग और श्रम विभाग द्वारा दुकान एवं प्रतिष्ठान तथा ट्रेड लाइसेंस के तहत पंजीकरण के लिए एक सामान्य मानकीकृत फॉर्म तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त श्रम विभाग, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बॉयलर के लिए एक केंद्रीयकृत प्रणाली लागू की गई है ताकि कंप्यूटरीकृत एवं जोखिम आंकलन को उपयोग करके निरीक्षण के लिए प्रतिष्ठानों का चयन करना और केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली के तहत निरीक्षकों का आवंटन सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में बताया गया कि भारत सरकार मई 2021 तक टेलीफोनिक साक्षात्कार या फिर व्हाट्सएप, MMS